जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना वो लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी कितना है एक्स। ठीक है, अब देखो हमारा जो, ठीक है एक्स मान लिया, तो देन द कॉस्ट ऑफ क्या ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल विल बी कितना होगा। देखो हमें क्या, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करते तो बनाते तो एक विशेष दिन के देखा गया है कि प्रत्येक न कि कितनी है उस दिन की निर्माण करने की बर्तनों की संख्या किसे कितने है? तीन से अधिक थी, तो कुल निर्माण कितना होगा 90 रुपये में, तो बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा, यानी कि टू, यानी कि ट्वाइस है किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के। ठीक है, तो हमारा ट्वाइस है, यानी कि हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस, यानी कि तीन ज़्यादा है। ठीक है, क्या बोला है कि तीन अधिक है, तो ये तीन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा टोटल, यानी कि जो फॉर्मूला एक देख लो कि जो हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल आइटम्स इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, ये होता है। अब हमें निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, कि जो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 90, टोटल आइटम्स कितना है x, इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम कितना है 2x + 3, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 90 इज इक्वल टू 2x² + 3x, इसको मैं कैसे अरेंज कर लेता हूँ, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है किस फॉर्म में, फैक्टराइजेशन में। तो हम यहाँ के देखो साइड में ले जाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 180, 90 और 2 को देखो यहाँ से इस 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 180। अब जब 180 आ गया, ठीक है, अब इस 180 को क्या करेंगे 2 से, तो 90 आ गया 45, 3 पे गया 15, 5। ठीक है, यानी कि इन सब अंकों से हमें क्या बनाना है, ये 3x बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3x बनाएंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा देखो यहाँ से कि जो हमारा कितना हो जाएगा 2, कितना कॉमन निकालेंगे, यानी कि यहाँ से अगर मैं 12, यानी कि देखो 5 3 = 15 और 2 2 = 4 3 = 12, यानी कि 12, 2 2 = 4 4 3 = 12, 5 3 = 15, यानी कि 15 12। हाँ, अब देखो ये 2x² + कितना 15x - 12x कर देंगे तो हमारा ये 3x आ गया इक्वल -90 = 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले लेते हैं, तो x 2x + 15, यहाँ पे क्या होगा कॉमन -12, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6 कॉमन आएगा तभी तो 2x आएगा, तो 2x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 15, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि बाहर क्या है नेगेटिव साइन, = 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2x + 15 = ये आ गया, और x - 6 = 0। तो यानी कि हमारे यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या क्या आएगा, 2x + 15 = 0, x - 6 = 0, तो x यहाँ से क्या आ गया 6, और यहाँ पे क्या आ गया 2x = -15, और
और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 15/2 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था कि जो हमारा कॉस्ट निकालना था कि जो हमारा यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में होगा यानी कि जो हमारा ठीक है नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा वो नेगेटिव तो होगा नहीं ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू हम लेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ से जो क्या हो जाएगा कि जो हमारा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं ठीक है, तो जो हमारा हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे x के इक्वल थे, x हमारा कितना आया 6 ये हो गया ठीक है, और हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3 यानी कितना आ गया 15 rupees, यानी कि हमारा कितना आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6 और हमारा एक आर्टिकल का रेट कितना है 15, तो ये हो गया हमारा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।